डॉन 3। क्यों शाहरुख खान रिटायर हो रहा है? नहीं, वो मेरे पापा बनेंगे, मैं उसमें इनका बच्चा बनूंगा डॉन। जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, दरअसल ये बात कर रहे हैं शाहरुख खान के फैंस और अमिताभ बच्चन के फैंस और फिल्मों को पसंद करने वाले बाकी लोग रणवीर सिंह को। क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, बात है यहाँ पर फिल्म डॉन 3 की। अब फरहान अख्तर की फिल्म जो है डॉन 3, उसको लेकर लोगों को एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर था। उन्होंने खुद ही अपनी फिल्म की फ्रेंचाइजी की अगली घोषणा भी कर दी थी। इसके बाद ये खबरें आई कि फिल्म में इस बार शाहरुख खान डॉन के किरदार में नजर नहीं आने वाले हैं, जो कि अब सच साबित हो गया है, क्योंकि फरहान अख्तर ने डॉन 3 के लीड एक्टर का नाम रिवील कर दिया है। और इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के पार्ट 3 को लेकर लंबे वक्त से जो चर्चा चल रही थी, तो उसे अब फरहान अख्तर ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है और लीड एक्टर का नाम खुद कंफर्म किया है। और उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डॉन 3 का एक टीजर, फर्स्ट लुक टीजर भी रिलीज कर दिया है। तो बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इसमें लीड रोल प्ले करने जा रहे हैं और उनके नाम की चर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही थी, लेकिन कोई इसमें कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को रिप्लेस करने की बात किसी भी फैन को पच नहीं रही थी, खुद मुझे भी नहीं पच रही थी। और वहीं अब डॉन 3 के टीजर रिलीज के साथ ही इस खबर पर पूरी तरह मुहर लग चुकी है कि फिल्म में जो है रणवीर सिंह ही डॉन का किरदार निभाने वाले हैं। इसके साथ ही एक सो कॉल्ड नए युग की शुरुआत यहाँ पे हो गई है। अच्छा, अब टीजर की शुरुआत होती है बिल्कुल अंधेरे में और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि भैया शक्तिमान वाला तमराज किलविशी ना आ जाए, लेकिन फिर दिखता है कि रणवीर सिंह जैकेट और जींस पहनकर एक बिल्डिंग की तरफ मुंह करके चेयर पर बैठे हुए हैं। ये सीन धूम 3 की कॉपी लगता है। फिर वो एक 3-4 लाइन का डायलॉग बोलते हैं और आखिरी में बोलते हैं, 11 मुल्कों की पुलिस जिसे ढूंढती है उसे पकड़ पाया है कौन, देखो फिर से आ गया है डॉन। मतलब इससे ये पता चलता है कि 1978 से 2023 तक यानी 45 साल में डॉन की तरक्की नहीं हुई। तब भी 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, अब भी 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, कैसा डॉन है यार। अच्छा, उसके बाद रणवीर सिंह एक बड़ा सा धुआं उड़ाते हैं और अपने आप को पेश करते हैं नए डॉन के रूप में। लेकिन सही बताऊं, जैसे ही रणवीर सिंह का लुक मेरे सामने आया डॉन के रूप में, मुझे लिटरली लगा और मेरे मुंह से यही निकला है, का बवासीर बना दिए हो। और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर कल और आज भी लोग तरह तरह से इस रणवीर सिंह को रोस्ट कर रहे हैं डॉन के रूप में, और यहां तक कह रहे हैं कि रणवीर सिंह जो है उनमें वो चार्म ही नहीं है जो शाहरुख खान में है डॉन के किरदार में। उस लोग तो कह रहे हैं इससे बेटर तो पार्टनर फिल्म में राजपाल यादव ने छोटा डॉन का रोल किया था। खैर, अब लोग जो भी कहें, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है उसमें यह है कि रणवीर सिंह की कास्टिंग इसमें गलत हुई है बाबू, क्योंकि रणवीर सिंह में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, यह हम सब लोग जानते हैं। उनकी एक्टिंग किस लेवल की है यह हम पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में बखूबी देख चुके हैं, लेकिन डॉन का जो रोल है वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के अलावा मुझे लगता नहीं कोई भी कर सकता है। क्योंकि डॉन के कैरेक्टर की डिटेल अगर आपने देखी होगी, मैं आपको बताऊं तो वो एक ही टाइम पे प्लान भी कर सकता है, सोच भी सकता है, खुश भी रह सकता है और अगले ही पल एक खतरनाक मारधाड़ एक्शन करने वाले कैरेक्टर में भी परिवर्तित हो सकता है। और डॉन की पर्सनालिटी में एक चार्म है, उसका एक अलग ऑरा है, और रणवीर सिंह के इस लुक को देखकर वो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया, बाय गॉड। और मुझे उम्मीद है रणवीर सिंह शायद इसमें वही करेंगे जो उन्होंने सिम्बा में किया था, यानी कि लाउड रिएक्शन देंगे, लाउड बोलेंगे, लेकिन ये डॉन के कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसी पे लोगों का रिएक्शन जाने के लिए मैंने अपने यूट्यूब पे एक पोल किया, जिसमें मैंने पूछा कि दोस्तों आप में से इनमें कौन कौन डॉन के किरदार में आपको कौन कौन पसंद है। तो लोगों ने जवाब दिया कि अमिताभ बच्चन, फिर शाहरुख खान, और कुछ 6-7% लोगों ने ये कहा कि रणवीर सिंह। तो भैया उन 7% लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, वेल डन, क्या बात है, सही जवाब, 7 करोड़। खैर, अभी तो सिर्फ टीजर आया है और फिल्म आने वाली है 2025 में, और कितना कमाल कर पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको कैसा लगा है रणवीर सिंह का ये नया डॉन वाला अवतार, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल फिल्मी आदमी सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।